जो मेरे मन में जो हृदय में भगवान का नाम आया है इससे मैं कभी फिर मन उड़ करके न खसनी हूँ। सारे नाम चारु चिंतामणि महाराज कहा कि मुझसे चारु चिंतामणि ये नामक प्राप्त हो गया इसको मैं अपने हृदय से हाथ से कभी छोड़ूंगा नहीं। हाथ में नाम की माला रहेगी हृदय में नाम अंकित रहेगा। तो ये नाम के प्रेमी का इस प्रकार का नाम का विश्वास होता है। इसलिए नाम और प्रार्थना ये दो बड़े महत्व की चीज है। जिसके मन में भगवान का नाम है, जिसके मन में भगवान के नाम पर श्रद्धा है, जिसके मन में नाम पर विश्वास है, वो नाम के छोड़कर कुछ और नहीं करता। भरोसे जाए दूसरे से करो तो नाम का विश्वास तो कहता है किसी को दूसरा हरण दिखता तो अपना करता रहे। मेरे तो राम को नाम कल्प करो कल कल्याण खड़ो। राज महाराज कहते हैं मेरे लिए तो ये नाम जो भगवान का है राम नाम ये कल्प करो है और ये कलयुग में मेरे लिए फल गया। मुझे देना था इसलिए दे दिया। मेरे सामने तो मुक्ति जो है ना मुक्ति मोक्ष अमृत ये पड़ोसी रखी है मैं लेता हूँ नहीं झाँका नहीं सुधर। वो कहते हैं कि भाई सुमृत राम तो मैं सुमृत राम परिश भयो मेरे सामने परोसा भरा रखा शायद ले लो तो उसकी तरफ भी मैं नहीं चाहता इतना ये मुझे अपार धन मिल गया। तो नाम विश्वासी कैसा होता है? नाम विश्वासी के लिए ये एक कलंक है। विश्वासी नाम को छोड़ करके नाम के द्वारा किसी और वस्तु को मांगे, नाम को देखे, नाम के द्वारा विपत्ति नाश चाहे और नाम के द्वारा किसी सांसारिक संपत्ति की प्रार्थना आशा करे, पाप तो नहीं है। पर ये नाम विश्वास में नाम प्रेम में कालिमा है, दाग है, काला काला दाग है। ये दाग जब तक रहता है तब तक नाम प्रेम का प्राकट नहीं होता। नहीं तो नाम प्रेम का तो स्वरूप देखना हो तो चैतन्य महाप्रभु को देखो। ऐसा हुआ हमारा नाम हम भी लेते हैं और नाम वो भी लेते थे। उनका नाम नाम के लिए था, प्रेम पूर्ण था। उनके नाम में एक जादू आ गया। ऐसा उनकी जीवनी में आता है कि वो जिस गली में खड़े होकर कीर्तन करते उस गली में से अगर कोई निकल जाता कीर्तन करते समय तो वो पागल हो जाता। तो बड़े बड़े जो पंडित लोग रहे ना दिग्गज लोग बड़े न्याय के वहाँ वो न्याय का नगर था नवद्वीप। तो न्याय के पंडितों ने उधर से निकलना छोड़ दिया। अगर उधर से जाओगे और कहीं पर नाम सुन लिया कितु सुन लिया कहीं पागल हो गए और वहीं पर कहीं गिर पड़े नाचने लगे तो हमारे पंडित लोग क्या कहेंगे कि ये पंडित भी बावला हो गया। तो पंडितों ने पास से निकलना छोड़ दिया। जिस समय वो नाम लेते उसमें अगर किसी का स्पर्श हो जाता या नाम जब किसी का स्पर्श कर देते वो तो उसमें प्रेम का अनुभव हो जाता। उसमें प्रेम की दिशा प्रकट हो जाती, तो प्रकट हो जाती। उनका जो नाम था, नाम तो यही भगवान का है। नाम में शक्ति एक ही है, नाम में इतना दिखता नहीं है। तो नाम लेने वाला जो है वो कैसा है ये बात विशेष रूप से देखनी पड़ती है। तो नाम अगर प्रेम से हो, नाम में अगर केवल प्रेम हो, नाम में केवल नाम की शक्ति हो, नाम के साथ कोई अपना अपन के न लगा हुआ हो तो वो जो नाम है ये भगवान चैतन्य महाराज ने कहा कि नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अर्पित कर दी है। तो सारी शक्ति को लिए हुए जो भगवान का नाम आता है वो भगवान का नाम सब उतार देता है तुरंत। तो प्रश्न करता ये महोदय से ही प्रार्थना है कि भगवान का नाम लें, विश्वास पूर्वक लें, श्रद्धा पूर्वक लें,
और नाम नाम के लिए ले, नाम का बदला, नाम का फल दूसरा सांसारिक कुछ भी चाहे नहीं, सब अपने को सब प्रकार से नाम पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें। तो नाम नाम भगवान और नाम के भगवान, कि अपने आप जब जैसा जो चाहेंगे करेंगे और वही मंगल होगा, वही मंगलमय होगा, उसके द्वारा कभी अमंगल होगा नहीं, इस प्रकार समझ करके और नाम की महिमा जाने और नाम के प्रति अपने को छोड़ दें। मैं तो प्रहलाद हूँ नहीं, व्यापार समझिए, कुछ मुझे आप दीजिए और कुछ मुझसे लीजिए, व्यापार। तो लेने की बात यह है, मैं दो प्रार्थना करता हूँ आप, और मैं विश्वास पूर्वक आपसे कहता हूँ, दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि अगर आप उन दो बातों को हृदय में जीवन में धारण कर लेंगे, बड़ी सीधी बात है, तो आप जो चाहेंगे साथ मिल जाएगा। बहुत बड़े शब्द कह रहा हूं, तो भगवान के भरोसे कह गया। वो दो बात कौन सी है, आप जो कुछ भी चाहते हैं, भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति या और कुछ ज्ञान वैराग्य कुछ भी जो चाहते हैं, उसके लिए आप एकांत अनिवार्य इच्छा करें, इतना काम तो आप करें, नमिकता साधन करें, आप तप करें, जप करें, माला फेरें, ध्यान करें, कुछ नहीं कहता, केवल ये करें कि आपकी जो इच्छा जिस वस्तु को पाने की है, उस इच्छा को आप अत्यंत तीव्र कर दें, इच्छा एक रह जाए। तो दूसरा जो और एक काम करने उसमें कुछ नहीं करना, आपको उस इच्छा की पूर्ति भगवान की कृपा से अवश्य 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 होगी, ये विश्वास कर ले। दो ही बात, अपने साधनों से कभी भगवान को नहीं पा सकता, हमारे पास मूल्य क्या है भगवान को देने के लिए, कौन सी साधना हमने की है, हमारे तो पाप नहीं छूटे, काम को लोभ नहीं छूटे, हमारे में तो दोषों का भंडार भरा है, तो ऐसे दोषों का भंडार कोई किस मूल्य पर भगवान को खरीदेगा, कुछ नहीं है। साधना का अभिमान कोई वस्तु नहीं है, साधना करिए करिए बड़ा अच्छा है, परंतु सबसे ऊंची साधना यही है कि भगवान की कृपा पर हम अपने को छोड़ दें और भगवान की कृपा को ऐसा माने, कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान की कृपा से नहीं हो सकती, केवल भाग्यवादों की बात नहीं, भगवान की कृपा भगवान को हिला दे सकती है, भगवान को ला सकती है, भगवान को खींच सकती है, भगवान को मिला सकती है, अतएव भगवान की कृपा पर विश्वास करें, ये सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए एक एक साधन है, ये एक वरदान है, ये एक भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने खुले खुले शब्दों में कहा, मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा करिष्यसि, उन्होंने खुले शब्दों में कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं तु सर्व पापेभ्यो मुक्तिष्यामि मा च चिंता मत करो तुम। ये भगवान के गीता के उपदेश का अंतिम बात है, मा च मत चिंता करो, तो सारी चिंताओं को छोड़कर भगवान की कृपा पर विश्वास कर ले और जो चाहते हैं, जो हमारे मन की इच्छा है, भगवत प्रेम की, भगवान के ज्ञान की, तत्व साक्षात्कार की, भगवान के दर्शन की, जो भी इच्छा है उस इच्छा को अनिवार्य बना ले, अनिवार्य इच्छा और भगवत कृपा में विश्वास, ये दो जहां मिल जाएंगे तत्काल काम हो जाएगा। ये फिर मैं कहता हूँ कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा।
तो ये एक चीज तो मुझसे आप ले ले, अर्थात मेरी प्रार्थना मान ली, तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जैसे प्यासे को जल की खाओ, जब प्यास लगती है उस समय जल के सिवा और इच्छा नहीं रहती, और इच्छा सारी गवा हो जाती है, पहले पानी मिले। इच्छा की ये और समझने की बात है, भगवान की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, सजा से नहीं होती, भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। ये बड़ी सुगमता है, बड़ी दुर्गमता है। दुर्गमता इसलिए कि हमारी इच्छा एकाग्र होती नहीं, एकांत होती नहीं, बिखरी रहती है। सुगम इसलिए है कि किसी कर्म के अपेक्षा नहीं, साल दो साल दस साल बीस साल बीज लगाया और फल लगेगा ये कोई बात नहीं, जिस काल में जिस क्षण में जिस समय ये इच्छा पैदा हो गई कि भगवान के बिना नहीं चल सकता और हमारी सामर्थ्य नहीं हम अपने शरीर से भगवान को प्राप्त कर सके, वो करुणामय दयामय स्वयं दया करके दर्शन हमें देंगे अवश्य देंगे, तो उनका आश्रय हो जाएगा, वो आ पहुंचेंगे। आप निश्चय मानिए भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आएंगे और भगवान आएंगे। तो ये चीज तो आप मुझे कृपा करके मेरी बात ये मान ले, मुझसे ले लें और मुझे दिन क्या आप सब मुझे आशीर्वाद दें। सच्ची बात कहता हूँ, यथार्थ अर्थ बस कृपा का अर्थ तो कृपा ही होता है महाराज, कृपा का ये अर्थ है वो भगवान की कृपा का अर्थ समझ में ही नहीं आता, महाराज समझ में आ जाए तो भगवान की कृपा हो जाए, ये अर्थ है भगवान कृपा का। कि हमारे बिना चाहे बिना कहे बिना जाने जिसके द्वारा हमारा नित्य नित्य हित हो रहा है, उस नित्य हित करने वाली भगवान की शक्ति का नाम कृपा है। और जैसे छोटे असहाय शिशु पर उसके हित करने का माता का भाव है, वो माँ की जो करुणा अपने आप बरसती उसके ऊपर, बच्चा कहता नहीं, इस प्रकार से सर्वांगीण हित जिसके द्वारा स्वाभाविक होता है उसका नाम कृपा है। तो कृपा में किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, कृपा में किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास की आवश्यकता है कि हम पर कृपा भगवान की है, बस है। और वो जितनी हम मानते हैं उससे अनंत गुनी है, उसकी कोई सीमा नहीं, संख्या नहीं, गणना नहीं, वो जितनी हम मानते हैं उससे अनंत गुनी है। और वो चाहे किसी रूप में आवे, जिस रूप में आती है उसी रूप में हमारा कल्याण करने आती है, परम कल्याण करने आती है, इसमें विचार संदेह की बात है। तो दो बात हूँ, मैं जो कह रहा था वो कह रहा था सच्चे हृदय से, कोई बनावट की बात नहीं, कोई इसमें भी बधाई लेने की भावना मेरे मन में होगी भगवान जाने, अंतर्यामी को पता है, परंतु ये जो चीज मैं कह रहा हूँ ये सच्ची कह रहा हूँ। आप सब लोग मिलकर के, सब बहनें, सब माताएं, सब भाई मुझे आशीर्वाद दें। वो आशीर्वाद ये आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है, सद्भावना करें,
ये आशीर्वाद दें कि कभी कभी मेरा मन भगवान में लग जाया करे। ये लगता नहीं है, मनुष्य कह दे कुछ भी, मनुष्य दूसरे को समझा दे कुछ भी, पर जब तक वो खुद अपने जीवन में चीज को नहीं समझता तब तक उसके लिए तो अपेक्षा ही रहती है कि वो चीज उसे मिले। तो मैं तो इस चीज का ही अपेक्षा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे मिले भगवान। ये कुछ ऐसी बात है कि अनोखी बात मालूम होती है, भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है ये मेरा विश्वास है। मैं उनकी उनकी कृपा को जितनी देख पाता हूँ उससे कई अनंत गुनी है ये मुझे दीक्षा भी है। पर मेरे दुर्गुण छूटते नहीं हैं, इनको मैंने पकड़ रखा है ये भी सत्य है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का सद्भाव चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सब लोग मिल करके दया करके कृपा करके अपनी सद्भावना दें, मुझे आशीर्वाद दें तो मेरा कुछ भला हो जाए। ये आदान प्रदान की बात मैंने आपसे कही है। एकांत मन एक ही अनन्य, उसके सिवा दूसरी इच्छा उस समय न रहे, दूसरी इच्छा न रहे। जहाँ तक इच्छाएं बहुत रहती हैं वहाँ उन इच्छाओं का व्यभिचार है। जैसे सती स्त्री अपने पति के मिलन को छोड़ करके कोई इच्छा नहीं करती किसी पुरुष से, बल्कि यहाँ तक कि वो जानती नहीं कि कोई पुरुष और भी है। उत्तम केस बस मन माही सपन हुआ न पुरुष जग नाही। ये जीव गोस्वामी का एक ऐसा किस्सा आता है, कहाँ तक ठीक मुझे नहीं पता है। कहते हैं कि मीराबाई भी जीव गोस्वामी के पास दक्षिणार्थ गई। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के ये लोग इतने कट्टर रहे, इतने ज्यादा ये यति धर्म का पालन करते थे कट्टरता के साथ, उस समय तक आपको नहीं करते, अब तो चीज दूसरे बदल गई। चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य छोटा हरिदास माधवी नाम की 80 वर्ष की एक वृद्धा माता के पास चावल मांग लाया। ये यहाँ तक इनके यहाँ परहेज था, ये स्त्री शब्द का उच्चार नहीं करते थे, ये प्रकृति कहते थे। इनके यहाँ स्त्री शब्द का बोले ये उच्चारण भी निषिद्ध है, वो कहते थे प्रकृति। तो चावल मांग लाया वृद्धा माता से 80 वर्ष के थे, इतना उसका परिचय हुआ किसी स्त्री के साथ बोलचाल का। इसी अपराध के कारण से महाप्रभु ने उसको निकाल दिया आश्रम से, और वो बेचारा प्रयाग में त्रिवेणी में आके डूब गया, पर तब तक पर उसको नहीं बुलाया। तो जीव गोस्वामी थे इन्हीं के खास शिष्यों में, तो वो वृंदावन में रहते थे और किसी स्त्री से मिलते नहीं थे। तो मीराबाई गई, तो मीराबाई जब आश्रम में गई तो वहाँ उनके साथियों ने रोक दिया कि भाई जीव गोस्वामी तो प्रकृति से मिलते नहीं, किसी स्त्री से मिलते नहीं। तो ये उनका नियम था बाहरी। तो मीराबाई ने एक ऐसी बात कहलवाई कि जीव गोस्वामी चुप हो गए, बोल नहीं पाए। मीराबाई ने कहलवाए महाराज मैंने तो सुन रखा था ब्रज में पुरुष एक ही है, सारी प्रकृति प्रकृति है, और आप दूसरे पुरुष कहीं पैदा हो गए हैं जो प्रकृति से नहीं मिलना चाहते। आप ये कहते हैं ना कि हम प्रकृति नहीं मिलते, तो आप पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा कि मीराबाई के लिए कोई मान्यता नहीं है, ये कहां तक बात ठीक है नहीं पता है, पर सिद्धांत की बात ये बिल्कुल सत्य है। सिद्धांत में इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। क्या कहता था इसके पहले,
ठीक बात मुझे ध्यान में आ गई। तो उत्तम के सदस्य मन माही सपनिवान पुरुष जगनाही। तो उत्तम प्रतिब का तो ये समझती है कि संसार में दूसरा पुरुष ही नहीं है, एक भगवान ही है, एक परमात्मा ही है, एक उसका अपना स्वामी ही है। तो भगवान के प्रति इस प्रकार की अनन्यता होनी चाहिए, एक भगवान के सिवा किसी दूसरे के लिए मन में स्थान न हो। जब हम अपनी इच्छाएं अनेकों जगह बांट लेते हैं तो उन्हीं बची हुई इच्छा में एक इच्छा के पदार्थ भगवान होते हैं। तो भगवान ऐसी जगह नहीं आते जहाँ कईयों को बुलावा साथ दे दिया गया और कईयों के लिए हृदय माशन लग गया समान समान, बल्कि ऊंचा भी। वैसे तो भगवान बहुत नीचे में बैठ जाते हैं और नीचे में बैठने वाले भी वही हैं, परंतु भगवान को जहाँ कोई भक्त इस प्रकार हृदय में बुलाता है तब वो उनकी एक ही मांग रहती है, एक मांग रहती है कि अपने हृदय को खाली करके बुलाओ, सूना करके बुलाओ, इसमें दूसरा कोई रहे नहीं। एकांत इच्छा का नाम अनन्य इच्छा का तो यही है, एक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त, एक भगवान को पाने की इच्छा के अतिरिक्त, एक भगवान के प्रेम को पाने की इच्छा के अतिरिक्त और कोई इच्छा मन में न रहे। ये अनन्य इच्छा है, एकांत इच्छा है, इस प्रकार की इच्छा उस वस्तु के लिए हो और अपनी अयोग्यता साथ साथ दिख पड़े। मेरी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति ये मेरे में नहीं है, मेरा कोई पुरुषार्थ मेरा कोई साधन इस इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, परंतु मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये बड़े तत्व की महत्व की बात आपसे मैं कह रहा हूँ। इच्छा में तो अनन्यता हो, उसी के साथ साथ अपने बल का कहीं भरोसा न आ जाए, ये भी तो विचार है। भगवान के प्राप्त करने की जैसी इच्छा मन में होनी चाहिए, ऐसे ही भगवान के रक्षकत्व में भी अनन्य विश्वास होना चाहिए। दूसरा कहीं बीच में अगर आ गया उसके, ये जो श्लोक है ना, भजते मान अन्य भाव, इसका ये भाव भी हम करने आपत्ति नहीं कि वो दूसरे को भार नहीं देता, भगवान के सिवा किसी को नहीं देता। निरक्षा करने वाले, मुझे वस्तु देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ण करने वाले, मुझे बचाने वाले एकमात्र एकमात्र यही है यही बात, इसका कोई है ही नहीं। तो जहाँ कहीं अपनी इच्छा तीव्र भी हुई और अपने पुरुषार्थ का जहाँ कहीं भरोसा आ गया तो भगवान के भरोसे में भी विचार आ गया, भगवान का भरोसा शिथिल पड़ गया और अपने पास ऐसी शक्ति है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है ही नहीं, तो उससे काम नहीं बनेगा। इसलिए जहाँ अपने में तीव्र इच्छा हो वहाँ अपनी असमर्थता अयोग्यता का भी भान हो, उसी के साथ साथ भगवान की अनंत कृपा पर विश्वास करके ये अवश्य माने कि भगवान की कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण जरूर होगी। संदेह होता ना बहुत साधक जो है ना, कल भी मेरी बात हुई, परसों भी बात हुई, तो मुझे तो यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भगवान की कृपा पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मुझे अवश्य भगवान का प्रेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा। ऐसे कहने वाले तो कुछ मिले कि महापुरुषों की दया से और मेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे कहने वाले तो कुछ मिले, लेकिन भगवान का प्रेम मुझे अवश्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा मेरे बिना किसी बल के, बल्कि संदेह करने वाले ही मिले तो मेरा क्या होगा, साधन तो मेरे से बनता नहीं है और मेरा तो दोष छूटता नहीं है और अभी तक कुछ हुआ नहीं तो क्या होगा,
आप कृपया करिए। मैंने सोचा कि मेरी कृपा का जहाँ भरोसा है वहाँ तो डूब नहीं है, कुछ है नहीं। ये पागलपन की बात लोग क्यों करते हैं? जो कृपामय है, जो अपनी कृपा वितरण करने के लिए व्यस्त है, जो अव्यस्त है, जो आर्त हो रहा है कि मेरी कृपा कोई ले ले, और जिसकी कृपा अमोघ है, अव्यर्थ है, जिसकी कृपा सबके लिए है, और जिसकी कृपा पर विश्वास करने पर वो कृपा में बना आ जाता है, उस कृपा के प्रति विश्वास करना चाहिए। और कभी कभी शंका नहीं करनी चाहिए मन में कि मेरा भी काम नहीं होगा। अरे वो कृपा है, उसकी कृपा से नहीं होगा। ये हम ये मान के हम उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, क्या नहीं होगा। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके चित्त हमारा हो के उल्लसित, वो पापों में फटकार दे, जगत को फटकार दे, खबरदार मेरे पास नहीं आ सकते, तुम साथ मेरे सामने नहीं देख सकते, मेरे समीप नहीं आ सकते, मेरी सीमा में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों? मेरे मेरा रक्षक, मेरा पहरेदार, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा सर्वस्व, मेरा भगवान, मेरा प्यारा निरंतर मेरे साथ है, निरंतर पहरा देता है। उसकी उसकी एकमात्र कृपा में मैं डूब रहा हूँ, सराबोर हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर, केवल कृपा ही कृपा है। किसकी ताकत है कि कृपा के भेद केवल तोड़ कर अंदर आ सके? ये सच्ची बात है ना, ये केवल मैं आपको भुगड़ी देता हूँ, बनावटीबाजी करता हूँ, ये वास्तव में ऐसी बात है। उसकी कृपा पर अगर हम भरोसा कर लें तो तत्काल हमारे मुंह से बात निकल जानी चाहिए, तुम सुरक्षित हो गए, हम भगवान के हो गए, भगवान की रक्षा में आ गए। अब जब भगवान की रक्षा में हम आ गए, जब हम भगवान के हो गए, तो हमें डर क्या है? कोई हमारे पास दुष्कर्म दुष्विचार दुर्भाव आ नहीं सकता। और सच मानिए, अगर भगवान रक्षा में आप मान लेंगे तो आ नहीं सकेंगे। तभी तक आते हैं जब तक हम उनके नहीं होते, जब तक हम अपने को रक्षित मानते हैं, उनकी रक्षा का भरोसा नहीं करते, जब तक उनके नहीं बन जाते। तावत रागा वयस्तेनाह तावत तारा गृहम गृहम तावन मोहग्र निगलो लाल कृष्ण तेजना। ये ब्रह्मा जी ने सुखी ने कहा अंत में, सब सारी बातें कह सुखे तब कहा कि महाराज श्री कृष्ण, ये जब तक ये आपके नहीं बन जाते, तभी तक ये राजद में शुरू की चोर पीछे पीछे चोर से सताते हैं, तभी तक ये घर के कैद खाने में बंद रहता है, और तभी तक ये मोह की बेड़ी पैरों में पड़ी हुई रहती है। जब ये आपका हो गया, बस चोर भाग जाते छोड़ करके, चोरों को निकालना नहीं पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता, बचना नहीं पड़ता, स्वयं चोर जब जान लेते हैं कि ये सरकार का हो गया, ये भगवान का हो गया, अपने आप निकल भागते हैं कि यहाँ रहना हमारे लिए खैर की चीज नहीं। घर जो बंधन है, वो घर फिर भगवान का मंदिर बन जाएगा, बंधन ही रहेगा। घर में रहे पूजा करो, अपनी चीज तो है नहीं, और बाहर निकले तो आनंद। और तभी तक ये मोह की बेड़ी चरणों में पड़ी हुई है, पैरों में बनी हुई है, जो हमें जहाँ तहाँ जब जाते तब साथ जाती है, बंधे पैर रहते हैं। जब भगवान के हुए ये बेटूट जाएगी, मन में स्वाभाविक एक उल्लास आएगा, एक आनंद आएगा। उस आनंद में अगर कहीं संसार का कोई प्रिय पदार्थ नष्ट होगा, उसकी ताकत नहीं कि वो नष्ट हुआ पदार्थ हमारे मन में जरा भी शोक पैदा कर सके। वो भगवान की दया उसमें दिखेगी। ये वो लोग दया के पात्र हैं जो संसार के पदार्थों की प्राप्ति में तो कृपा मानते हैं, और प्राप्त न होने या चले जाने पर कृपा मानते हैं। वो दया का मन नहीं समझते। ये तो ये तुच्छ तुच्छ वस्तुएं जो भाग्य से मिलती हैं, जो कर्मों से मिलती हैं, उन कर्मों से मिलने वाली
वस्तुओं को भगवान की कृपा के खाते में खटा करके उस कृपा का तिरस्कार करते। भगवान की कृपा को जो मानने वाला है वो तो हर सूरत में, हर जगह, हर अवस्था में मंगलमय की मंगलमयी कृपा के दर्शन करता है, कृतार्थ होता है, उल्लसित होता है। बस उसका तो एक ही मात्र भाव है कि वो भगवान का हो गया, बस भगवान का हो गया, मैं भगवान का हो गया। अब जो मैं था, जिस मैं के हर्षों के स्थान थे, जिस मैं के हानिलाभ के स्थान थे, जिस मैं का अपना पराया था, वो मैं जब उसका हो गया तो इसका हानिलाभ, इसका भला बुरा, इसका रहा ही नहीं। इसके बाद उसकी चीजें वो अपने मकान को तोड़े छोड़े या रखे, उसको सजाए या उस पर अलकतरा फेंक दे, वो उसको रखे या बहा दे, तुम बीच में बोलने वाले कौन? और अगर तुम हर शोक करते हो बीच में बोलते हो तो तुमने अपने उनका बनाया नहीं। बात तो बस भगवान के बन जाओ, उसके बाद मौज करो। किसी को अगर मौज करनी है, सब मौज चाहते हैं, पर मौज कैसे होती है ये तो नहीं चाहते। एक अंग्रेज ने कहा कि सब पीस चाहते हैं, शांति सब चाहते हैं, तो शांति जिन साधनों से मिलती है उनको नहीं चाहते। हम सब सुख चाहते हैं, तो सुख जिन पुण्यों से मिलते हैं उनको नहीं करना चाहते। असली बात ये, अगर हम सुख चाहते, शांति चाहते हैं, तो सुख शांति एकमात्र भगवान में बसते हैं। भगवान के सिवा इनकी बस्ती कहीं है नहीं। आनंद स्वरूप, शांतिमय, शांत स्वरूप ये अगर कोई है, एकमात्र भगवान। उनसे परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, अपने भगवान का नाम कुछ भी रखो, कोई रूप देखो, वो जो भगवान है, उन भगवान के सिवा सुख शांति न कहीं है, न कहीं होगी, न किसी को आज से कहीं मिली है, न मिल रही है, न मिल सकती है। अगर उसकी इच्छा है तो अपने को उनकी कृपा पर छोड़ दो। बेशक अनकंडीशनली कोई भी उसके बीच में शर्त न रहे, बिना शर्त के अपने आप को उनके चरणों पर डाल दो। इसके बाद अच्छा बुरा भला इसका जो कुछ सोचेंगे वो अपना बना के सोचेंगे। जब ये उनका अपना हो गया तो भला होगा तो उनका होगा, बुरा होगा तो अपना होगा, जीत जाएगी उनकी जाएगी, न जाएगी उनकी जाएगी। हम सोचने वाले कौन?